हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्मोनिक्स, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर एक जगह क्लैंप होता है ना, और एक जगह ओपन होता है, तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन फ्री एंड से करा रहे हैं हम, ठीक है। और अगर दोनों जगह क्लैंप होता है, तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो आपको हार्मोनिक्स पढ़ाऊंगा, उसके लिए फिक्स्ड एंड और फ्री एंड के लिए हार्मोनिक्स क्या बनने वाले हैं, या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज क्या रहने वाली हैं डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक्स की, या फिर ओवरटोन्स के बारे में, है ना। तीनों बातें एक साथ डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी निकाल लो। हार्मोनिक्स फ्रॉम फिक्स्ड एंड फ्री एंड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। चलो सबसे पहली बात मैं आपको एक पढ़ाता हूँ, जिसमें फिक्स्ड एंड से पढ़ाऊंगा। केस वन, ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये एक क्लैंप है और इसके बीच में स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक क्लैंप ही है, ठीक है। ये दो क्लैंप है, ठीक है। और अच्छा, अब ये एंड तो फिक्स हो गया, ये एंड भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब यहाँ मैंने एक स्टैंडिंग वेव ऑसिलेटर से प्रोवाइड करी, है ना। मतलब ऑसिलेटर से एक सिंपल हार्मोनिक वेव भेजी, जाएगी वेव फिक्स एंड से टकराएगी, अपोजिट फेज के साथ आएगी। दोनों वेव यहाँ से कंटिन्यू भेजता जा रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू रिफ्लेक्शन मिलता जा रहा है, दोनों वेव सुपरपोज करती जा रही है, रास्ते में स्टैंडिंग वेव बनती जा रही है। अब जो स्टैंडिंग वेव बन रही है, उनके डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, उसका कारण समझते हैं। ये लेंथ कितनी है, एल, ढंग से समझ लो, ठीक है। अब ये तो नोड है, कन्फर्म हो गया, ये भी नोड है, कन्फर्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट चल नहीं रहे, इनका एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो। अब दो नोड्स, लगातार दो नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा टू, लैम्डा बाई टू। तो हो सकता है ये कॉन्जिक्यूटिव नोड्स रहे हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है इन दो नोड के बीच में एक नोड आया हो, ऐसा भी हो सकता है दो नोड्स के बीच, इन जो एंड्स के ऊपर नोड्स हैं उनके बीच में दो नोड्स आए हो सकता है, तीन आए हो सकता है, चार आए हो सकता है, एन आए हो। तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज बनने वाली हैं। चलो अब सबसे पहली बात, अगर ऐसा है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं बेटा? सबसे पहली बात, फंडामेंटल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम होगा फंडामेंटल। इससे छोटा तो नहीं पॉसिबल, दो नोड के बीच में कोई भी नोड ना आए, है ना, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो लैम्डा बाय टू, लैम्डा वन बाय टू हो गया एल, यानी लैम्डा वन आ गया टू एल, बोलो सही है। तो वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो वेलोसिटी क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ आ गया फ्रीक्वेंसी। तो सर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, डाल देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा, वी बाय टू एल, सही है। वी बाय टू एल डाल देंगे, लैम्डा की जगह लैम्डा वन की जगह टू एल डाल देंगे, तो वी बाय टू एल आ गया। वी कितना है, वन बाय टू एल। वेलोसिटी आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रिंग पे क्या होती है, अंडर रूट टी बाय म्यू, बोलो। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, इसी वन लिखा है, इसका मतलब इसका नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। क्या नाम है सर, फर्स्ट हार्मोनिक, बोलो सही है। और नाम क्या है इस फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये वैल्यू आ जाती है 50 हर्ट्स। अब मैं 50 हर्ट्स की टर्निंग ट्यूनिंग फॉक से ऑसिलेशन प्रोवाइड कराता हूँ, ट्यूनिंग फॉक से ऑसिलेशन प्रोवाइड करता हूँ 50 हर्ट्स की, तो अपने आप दो नोड्स वाला सेट हो जाएगा। मतलब दो नोड्स के बीच में कोई नोड नहीं आएगा, ये वाला हार्मोनिक अपने आप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला समझते हैं, अगली बार क्या होगा, ठीक है। हटा दो इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फिर हटाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अगला समझते हैं। अब मान लीजिए कि दो नोड्स के बीच में एक नोड और आने लगा, एक नोड और आने लगा, ये नोड है, ये भी नोड है, लेंथ वही है, फिर से मैंने स्ट्रिंग सेम ली है ना, ये नोड है, ये नोड है, इनके बीच में एक नोड और आने लगा, मान लीजिए कि वो वाला हार्मोनिक बन रहा, तो ये बनेगा ऐसे, बोलो सही बात है, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब दो नोड के बीच में डिफरेंस होता है कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच में, वो लैम्डा बाई टू होता है ना, तो लैम्डा बाई टू ये और लैम्डा बाई टू ये, तो टोटल लेंथ हो गई टू लैम्डा टू बाई टू, है ना, लैम्डा टू मान लेते हैं इस बार वेव लेंथ, ठीक है। तो लैम्डा टू कितना आ गया सर, टू एल बाई टू आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा टू, जब मैं डालूंगा तो टू बाई ट्वेल्व अंडर रूट टी बाई म्यू, सही है। अब यहां पर टू आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं सर, सेकेंड हार्मोनिक, बोलो सही है। और इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा, है ना, जो भी फंडामेंटल से अगली टोन होती है उसको बोलते हैं ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, क्या है, फर्स्ट ओवरटोन,
फंडामेंटल से अगले वाले को हमेशा फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, फंडामेंटल से अगले वाला छोड़ के उससे अगले वाले को सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। चलो सेकंड ओवरटोन पढ़ते हैं, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ले लिया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब क्या करोगे, अब मान लो कि दो नोड के बीच में दो नोड और आने लगे, है ना, तो ये एक क्लैंप है मेरा और ये भी क्या है, क्लैंप है, और इनके बीच में दो नोड आ गए और, सही है, ऐसे बनाया कुछ, बोलो सही है बेटा। अब ये क्या है, लैम्डा 3/2, ये लैम्डा 3/2, ये लैम्डा 3/2। अब लेंथ कितनी होगी, जल्दी बोलो, 3 लैम्डा 3/2, लैम्डा 3 कितना होगा, 12/3, तो बस पुट कर देंगे, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, यस और नो, यस सर फ्रीक्वेंसी, तो कितनी हो जाएगी, 3/12 अंडर रूट टी बाय म्यू, बोलो सही है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 3/12 अंडर रूट टी बाय म्यू। ये 3 आ रहा है, ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, और सर ओवरटोन कौन सा है, ये सेकंड ओवरटोन, बोलो सही बात है, अच्छा बहुत बढ़िया, अब आपको समझ आ गया कि क्या करना है, ठीक है। अब एनथ हार्मोनिक लिखना है, तो एनथ हार्मोनिक क्या होगा, जल्दी बोलो, एनथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 3 की जगह थर्ड हार्मोनिक में 3 आता है, तो एनथ हार्मोनिक में क्या आएगा, एन बाई 12 अंडर रूट टी बाय म्यू, बोलो आया कि नहीं आएगा, और एनथ ओवरटोन में क्या आएगा सर, देखो ध्यान से, एनथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेकंड ओवरटोन में 3 आता है ना, तो एन में क्या आएगा, एन प्लस 1, बोलो सही है बेटा, क्लियर है, तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, बोलो क्लियर है। फर्स्ट हार्मोनिक कितना हुआ, जल्दी बोलो, एन की जगह 0, फर्स्ट हार्मोनिक हुआ, एन की जगह 1 डाल दो, 1/12, अगला हार्मोनिक 2/12, अगला हार्मोनिक 3/12, अरे बोलो समझ में आ रहा है, यानी ट्यूनिंग फोक से अगर V/12 या फिर अंडर रूट टी बाय म्यू 1/12 की वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी है, अगर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मान लो ये 50 हर्ट्ज़ है, कितनी है 50 हर्ट्ज़, और लेकिन आपके ट्यूनिंग फोक ने, आपके ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपके ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है मान लो 150 हर्ट्ज, तो यानी ट्यूनिंग फोक कितनी पैदा करेगा, 150 हर्ट्ज, यानी इसका 3 गुना, अगर ये फंडामेंटल 50 है मान लो, बोलो सही है, अब इसका 3 गुना का मतलब थर्ड हार्मोनिक, तो ट्यूनिंग फोक अगर 150 हर्ट्ज का ऑसिलेटर प्रोवाइड करेगा, अगर आप 150 हर्ट्ज के ऑसिलेटर से ऑसिलेशन प्रोवाइड करोगे तो अपने आप थर्ड हार्मोनिक सेट हो जाएगा, बोलो फील आ रहा है, अगर आप 250 हर्ट्ज के ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी सेट करोगे तो क्या अपने आप कौन सा हार्मोनिक आ जाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक आ जाएगा, ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑन व्हाट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, है ना, फिक्स्ड एंड से हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ी है। केस 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वहां हम रिफ्लेक्शन पढ़े हैं किसके साथ, फ्री एंड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू, होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी, ठीक है, बाय बाय।